स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो शेयर कर रही हूँ दोस्तों पतंजलि हरिद्वार से। चलिए दोस्तों यहाँ से प्रवेश द्वार शुरू होता है और आगे आगे आपको दिखाती हूँ जो मैंने देखा। ओ ये है हमारा पतंजलि। इसके अंदर जिसने नहीं देखा होगा उसको देख लो। मैंने नहीं देखा, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो ये है आपके शहर में भी तो पतंजलि का सामान मिलता होगा ना, जिस दुकान से मिलता है बस वैसे ही था। और ये थोड़ा भव्य था, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट काम फ़ोटो खिंचवाना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रही पांचों बहनें और हम लोग कैप्चर कर रहे हैं और मैं अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो दगड़ियाओं दोस्तों, जो मेरे रोज़ व्लॉग देखते हैं उनको मैं बता दूं, जैसे कि रुड़की शादी थी मामा की बेटी की जो आपने देखा होगा, और दिल्ली से रिश्तेदार आए हुए थे। दिल्ली में मेरी रहती हैं दो मौसियाँ, एक जेठी एक मौसी, और कोटद्वार में रहती है मेरी एक मौसी एक जेठी और एक मेरी मम्मी। तो रुड़की से हरिद्वार नज़दीक पड़ता है, तो महासंजोग मैं इसको बोलूँगी दोस्तों, सबका प्लान बना कि चलो हरिद्वार चलते हैं पतंजलि देखते हैं। और मैंने जाना था दिल्ली वाली मासी के साथ दिल्ली तक, रुड़की से दिल्ली तक। बहुत कंफ्यूजन है, चलो छोड़ो दोस्तों, यहाँ पे हम सब रिश्तेदार एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। भाई मेरा तो एक्सपीरियंस है दोस्तों दगड़ियाओं की, ऐसे भीड़ वाले इलाके में अपनों के साथ कदम से कदम मिलाकर ही चलना चाहिए, नहीं तो बिछड़ने का डर रहता है। तो जैसे कि मेरी मम्मी फ़ोन कर रही है किसी को, यानी कि अपने ही कोई होगा जो यहाँ पे नहीं पहुँचा है दगड़ियाओं। तो यहाँ पे जब तक वो आते हैं तब तक दोस्तों हम यहाँ पे ले रहे हैं जो पत्तों में फूल होते हैं ना, जिसमें दिया जलाते हैं और गंगा में बहाते हैं, जिसको हम बहाएंगे दोस्तों नहाने के बाद। मेरे पास यहाँ पे कोई भी कपड़ा नहीं था एक्स्ट्रा, क्योंकि शादी में मैं दोस्तों केवल तीन जोड़ी कपड़े लेके आई थी, एक लहंगा, एक साड़ी जो मैंने बानों में पहनी थी, और एक जो मैंने अभी पहना हुआ है। और दोस्तों क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम था और आज ही हम लोगों को दिल्ली के लिए और कोटद्वार वालों को कोटद्वार के लिए रवाना होना था, तो ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम लोग इधर उधर कपड़े देख सकें। तो अब आ गई है दोस्तों मेरी बारी, शर्मिला को मैंने अपना कैमरा दे दिया है। सूर्य भगवान इधर है। दिसंबर में दोस्तों बहुत ठंडा था पानी, नेचुरली दोस्तों वैसे ही पानी इतना ठंडा होता है, तो हरिद्वार का पानी तो कैसा होगा, जो नहाया होगा उसको पता होगा। गंगा मैया की जय हो। चलिए दोस्तों फिर आगे मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। आई होप दोस्तों कि आज आपने वीडियो एंजॉय किया होगा।